हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सूरत 365.com पे। आज मैं आपके लिए हिडन वॉल क्लॉक कैमरा लेके आया हूँ। आप परचेज करने के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जाते हो तो आप मालूम नहीं कर पाते हो उसका क्वालिटी कैसा रहेगा। एक ही आइटम अलग अलग दाम से आपको देखने को मिलता है तो आप क्वालिटी मालूम नहीं कर पाते हो। हम आपको ऐसा ही लिंक शेयर करेंगे जो हमारी ओर से अप्रूव होता है और हमने यूज किया हुआ रहता है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो वॉल क्लॉक कैमरे के साथ। सबसे पहले मोबाइल में वाईफाई ऑन करना है। वाईफाई ऑन करने के बाद कैमरे का जो आईडी रहेगा एमवी वाला, उसके साथ आपको कनेक्ट करना है मोबाइल को। प्ले स्टोर से V380 एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना है और फिर ये V380 एप्लीकेशन ओपन करना है। इसमें आपको रजिस्टर्ड आईडी करना है। रजिस्टर्ड आईडी में आपको कंट्री में एशिया सिलेक्ट करना है, ईमेल आईडी डालना है, वेरीफाई करके रजिस्टर करके ओपन हो जाएगा सॉफ्टवेयर। सब सॉफ्टवेयर में मोबाइल डेटा में ओपन करना है रजिस्टर। बाद में वापस वाईफाई कनेक्ट करके अपना कैमरा का आईडी कनेक्ट हो जाएगा। फिर रिफ्रेश करोगे तो नीचे की ओर कैमरा आ जाएगा। वहाँ पे प्लस पे बटन पे क्लिक करोगे तो कैमरा हो जाएगा। पासवर्ड आपको ये सेट करना पड़ेगा, आपको जो याद रहेगा वो पासवर्ड आपको सेट करना है। कन्फर्म पासवर्ड में भी दूसरी बार पासवर्ड डालना है। बाद में कन्फर्म करके कैमरे पे क्लिक करोगे तो कैमरे का विजन यहाँ पे दिखाई देगा। ठीक है, यहाँ पे आप HD और SD क्लियरिटी सिलेक्ट कर सकते हो। आप चार कैमरा एक साथ देखना है तो वो देख सकते हो। स्नैपशॉट ले सकते हो, वीडियो रिकॉर्डिंग ले सकते हो। मोबाइल के डेटा स्टोरेज में से वो होता रहेगा। बाजू में जो रिप्ले का बटन है वहाँ से आप पुराना प्लेबैक देख सकते हो। मेमोरी कार्ड में जो स्टोरेज हुआ रहेगा वो आप देख सकते हो। उसको डाउनलोड करने के लिए इवेंट ग्रुप में जाना है। इवेंट ग्रुप में जाके जिस फाइल आपको डाउनलोड करना है उस पर क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिकली डाउनलोड हो जाएगा। दूसरा फाइल में दिखाता हूँ। दूसरा फाइल जैसे डाउनलोड हो जाता है, अभी मैं फिलहाल इसको कैंसिल करता हूँ ताकि आपको मालूम पड़े। कन्फर्म करके आप कैंसिल भी कर सकते हो। ये इन्वर्जन का ऑप्शन है, अगर आपने कैमरा उल्टा लगा दिया है तो विजन सीधा हो जाएगा। बाद में जाते हैं सेटिंग के अंदर, उसमें अलार्मिंग का फंक्शन है। अगर आपको अलर्ट चाहिए तो आप आर्म डिसआर्म कर सकते हो। अगर आपको कैमरा डिलीट करना है तो आप पासवर्ड डालोगे आईडी का तो उसे डिलीट हो जाएगा। कैमरा शेयर भी कर सकते हो, आप दूसरा कोई अकाउंट बनाएगा उससे। सेटिंग में जाने के बाद पहले जनरल सेटिंग आता है, उसमें निकनेम और डिवाइस आईडी आता है। बाद में पासवर्ड जो पहले दिखाया वही पासवर्ड का ऑप्शन है इधर। डिवाइस टाइम आप सिंक्रोनाइज कर सकते हो, सेट कर सकते हो। फर्मवेयर वर्जन आपको मालूम पड़ेगा कि कौन सा वाला फर्मवेयर वर्जन लगा हुआ है। अलार्म आप ऑन कर सकते हो। अगर आपको एलर्जी मोशन डिटेक्शन में आप एरिया सेलेक्ट करके आप मोशन भी अनेबल डिसेबल कर सकते हो। उसके बाद में अलार्म साउंड है, नोटिफिकेशन पे आपको साउंड मिलेगा तो फिलहाल मैं अभी ऑफ कर रहा हूँ। बाद में जाते हैं मेमोरी कार्ड की सेटिंग के लिए। अभी फिलहाल ये 128 GB मैंने डाला है, वो सपोर्ट करता है। इसमें आपको दिख रहा है 99% रिमेनिंग स्टोरेज बाकी बचा है। रिकॉर्ड ऑडियो कंटिन्यूस रिकॉर्डिंग HD रिकॉर्डिंग वो आप अपने हिसाब से सेट करके फॉर्मेट भी आप यहाँ से कर सकते हो। फिलहाल मैं कैंसिल कर रहा हूँ। एडवांस सेटिंग में जाते हैं, वो IP है। आप मैनुअल आप IP सेट करना चाहो तो भी कर सकते हो। और लैंग्वेज का ऑप्शन दिया है, अभी फिलहाल बैक चले जाता हूँ मैं। उसके बाद सेटिंग में जाके अभी आपको मोबाइल वाईफाई से कैमरे को कैसे कनेक्ट करना है वो मैं आपको बताता हूँ। इसमें वाईफाई स्टेशन मोड करके आपका नज़दीक का जो वाईफाई रहेगा वो वाईफाई के साथ कनेक्ट करके आपको बाद में मोबाइल में मोबाइल डेटा चालू करना है ताकि आपको ये कैमरा ऑनलाइन हो गया वो मालूम पड़ सके। अब एक बार और रिफ्रेश करता हूँ मैं तो नीचे की ओर जो लैन ऑनलाइन लिख के आ रहा था वहाँ पे इंटरनेट ऑनलाइन लिख के आ जाएगा। अभी ये कैमरा मोबाइल डेटा पे चल रहा है और इंटरनेट ऑनलाइन लिखा हुआ आ रहा है। क्लियरिटी आप कहीं से भी, अगर आपका नेटवर्क स्लो है तो आप SDHD में कन्वर्ट करके देख सकते हो। अभी सेटिंग में जाता हूँ वापस मैं। अगर आपको
हॉटस्पॉट मोड करना है, हॉटस्पॉट मोड पे ऑन करके सेव कर देना है ताकि वो एमवी वाला जो आईडी है वो वापस आपको दिखाई देने लगेगा और वाईफाई के साथ डिसकनेक्ट हो जाएगा। अभी मैं वापस मोबाइल में वाईफाई चालू कर रहा हूँ और एमवी वाला आईडी जो अभी शो हो रहा है उसके साथ मोबाइल कनेक्ट करके आप उसको लैन ऑनलाइन देख सकते हो, मतलब ये इंटरनेट से वापस निकल गया है। तो आप हॉटस्पॉट पे भी देख सकते हो और इंटरनेट ऑनलाइन भी देख सकते हो। वेब प्रोफाइल में जाते हैं, वहाँ पे आप आपका ईमेल आईडी और पासवर्ड वगैरह सेट कर सकते हो। एल्बम में जाके आपका मोबाइल में जो फोटो और वीडियो सेव हुआ है वो आप देख सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो। और बाकी तो सेटिंग है, ये आप कर सकते हो अपने हिसाब से जो करना है वो। थैंक यू फ्रेंड्स, नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने नंबर दिया हुआ है, वहाँ पे आप जाके हमारे डीलर डिस्ट्रीब्यूटर का कॉन्टेक्ट कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको ये वीडियो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हम नई ऐसे टेक्निकल वीडियो अपलोड करेंगे तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। और ये लिंक ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए ताकि किसी को इसका ज़रूरत हो, इसकी नीड हो, तो उसके लिए लिंक यूज़ में आ सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।